खरगोन जिले में मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन महकमा लगातार कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद लोग बाहर घूम रहे हैं। इसी के मद्देनजर बेवजह घूमने वालों पर पुलिस की चालानी कार्यवाही लगातार जारी है। इस दौरान खरगोन थाना प्रभारी ने बताया कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और संक्रमण रोकने के लिए परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कार्रवाई की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई है सर? देखिए, हम लोग लगातार लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी हमारे सभी पॉइंटों पर चेकिंग लगी है। आप देख रहे होंगे यहाँ भी हम प्रत्येक व्यक्ति को चेक कर रहे हैं जो भी जा रहा है और जो अनावश्यक घूम रहा है। जब बहुत से लोगों को हम चेक कर रहे हैं तो वो दो लोग जा रहे हैं, भाई दो लोग नहीं जाए, जिनका काम है वही जाए, मेडिकल पर जा रहे तो अकेला आदमी जाए। इस तरीके से हम लोग जो भी अनावश्यक है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, 180 की कार्रवाई कर रहे हैं और उनको अस्थायी जेल भी भेज रहे हैं। और सभी लोगों से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि हमें कोरोना की चेन को तोड़ना है तो घर में ही रहना होगा, अनावश्यक बिल्कुल भी बाहर ना निकले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।